जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। और आज हम 27 सितंबर के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है सार्क के बारे में। अब सार्क के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स की साउथ एशिया में। दूसरा है कि जो सार्क है वो फाउंड किया गया था काठमांडू में 1985 में, और उसी के साथ साथ उसका सेक्रेटरिएट हमें ढाका में देखने को मिलता है। तीसरा है कि सार्क जो है वो किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएन के साथ नहीं रखता है। अब यहाँ पर अगर आप पहला देखोगे तो बिल्कुल सही होता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये 1985 में ढाका में फाउंड किया गया था और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो है काठमांडू में, इसीलिए ये गलत हो जाता है। तीसरा अगर आप देखोगे तो सार्क जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल मेंटेन करता है यूएन के साथ, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। जवाब क्या रहेगा? ओनली वन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके रिगार्डिंग कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो OIC जो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1969 में फाउंड की गई थी, जिसमें हमें 57 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सभी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स है, मतलब जहाँ पर हमें मुस्लिम की तादाद ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो ये है कि जो मुस्लिम्स है उनकी वेलबींग और प्रोग्रेस इंश्योर करना और उनके जो इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करना। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल सही होता है, मतलब जो मुस्लिम्स हैं उनका यहाँ पर सेफगार्ड करना है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर उसके इंटरेस्ट के लिए काम करना है। पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ तक के बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑल आ रहा है ना, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं सभी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स नहीं है, ऐसे भी है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी अपने को 18% 6% तक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, दूसरा हो जाता है सही। जवाब रहेगा B2 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी है, यहाँ पर मैंने कुछ दिए हैं जैसे कि सूरीनाम है जिसने 1996 में ज्वाइन किया था, और मुस्लिम परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 15.2% है। उसी के साथ यहाँ पर टोगो है, गियाना है, आइवरी कोस्ट है, मोजम्बिक है, नाइजेरिया है, जहाँ पर हमें मुस्लिम मेजोरिटी कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो इसका हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पॉलीसाइकिस्ट ओवरी। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसे PCOS भी कहा जाता है। तो जिन महिलाओं को ये है उन्हें इनफ्रिक्वेंट या फिर प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, या फिर एक्सेस मेल हार्मोन जो है वो लेवल उसका देखने को मिलता है। ओवरीज डेवलप हो सकती है न्यूमरस स्मॉल कलेक्शन में ऑफ फ्लूड, इसमें फ्लूड टाइप का जो है उस तरीके का देखने को मिलता है, और जो एग रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है एग रिलीज होता है इसमें, तो ये जो एग है ये रिलीज नहीं हो पाता है। अब एग रिलीज नहीं होगा तो अब ऐसे कि क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो सकती है, है ना। ये फेलोपियन ट्यूब है, इसमें जब ये एग जाता है तब यहाँ पर जो स्पर्म है वो इससे फर्टिलाइज होकर वहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो एग्जैक्ट कॉज जो है PCOS का, ये अभी तक अननोन है, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस अगर ट्रीटमेंट करते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर वेट लॉस अगर होता है, तो यहाँ पर जो रिस्क है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर अवेयरनेस जो स्प्रेड करना है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आज सुबह ही हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अवेयरनेस स्प्रेड करना है। तो यहाँ पर दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, सी इसका जवाब रहेगा 1 और 2। दूसरा यहाँ पर आता है कि सॉल्यूशंस जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए सॉल्यूशंस इसमें से कौन से नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए इसमें से कौन से सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल रिड्यूस करना। दूसरा यहाँ पर आता है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल इनक्रेज करना, बढ़ावा देना उसको। तीसरा है कि जो प्लास्टिक बैन है उसे इम्प्लीमेंट करना, कि प्लास्टिक बैन जो है वो यहाँ पर हो जाए। और चौथा है कि जो वेस्ट है उसे यहाँ पर बर्न करना। तो यहाँ पर आपको कौन से नहीं है सॉल्यूशंस ये बताना है।
अब देखिए, अगर आप फॉसिल फ्यूल को यूसेज जो है उसका रिड्यूस करोगे, मतलब जो आग है वो अगर कम लगाओगे, तो अभी ऐसे कि पोल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज उससे लड़ने में काफ़ी आसानी जाएगी, तो ये बिल्कुल सही होता है पहला वाला। दूसरा, अगर आप देखोगे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अगर आप इनकरेज करोगे, मतलब प्राइवेट गाड़ियाँ जो है हर किसी के पास अपनी अपनी है, तो अगर हर कोई अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर जाएगा तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो ऑब्वियस है कि क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ेगा, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है। तीसरा, अगर आप देखोगे प्लास्टिक बैन को इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, मतलब ऐसी चीज़ है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, वो अगर हम रोक देते हैं तो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो वेस्ट है उसे बर्न करते हो, भले ही यहाँ पर वेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन जो बर्निंग है उससे तो आप जो पोल्यूशन है वो क्रिएट कर रहे हो। अब पोल्यूशन क्रिएट होगा तो क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ पाओगे, इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पर 2 और 4 जो है ये इसका हमें सही जवाब नज़र आता है, क्योंकि नहीं सॉल्यूशन ये पूछे गए कौन से नहीं है, तो बी जो है ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, जो साइक्लोन्स है उसके कंडीशन कौन कौन सी, उसके फॉर्मेशन के लिए मतलब कौन कौन से इससे वो फॉर्म हो सकता है, तो लेस सरफेस एरिया एंड हाई टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया जो है, मतलब ये सरफेस एरिया हो गया, इतना सरफेस एरिया है ओशन का, और टेम्परेचर जो है वो हाई रहना चाहिए, मतलब जितना कम सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, और टेम्परेचर जितना हाई रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, लो मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर लो रहना चाहिए। और तीसरा है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, पीआईबी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो संडे को आएगा। यहाँ पर अर्थ जो है वो इस तरीके से घूम रही है, और इस तरफ जो विंड है वो जा रहा है। अब इसलिए क्या होता है, यहाँ पर एक कोरियोलिस इफेक्ट होता है, जिससे कि अगर हम ये इक्वेटर देखते हैं तो ऊपर साइड से ऐसे जाएगा और लोअर साइड में ऐसे जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन जो है ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स, अब देखिए साइक्लोन इस तरीके से जाता है ना, चक्र होता है, तो ये कोरियोलिस फोर्स तो सबसे ज़रूर रहेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो हमें ओशन के ऊपर देखने को मिलते हैं। ओशन के ऊपर क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर की ज़रूरत इसे रहती होगी, तभी तो हमें ओशन के ऊपर देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर लो मॉइस्चर मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा, हाई मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही, लेकिन लेस सरफेस एरिया नहीं चाहिए, हाई सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा लार्ज रहेगा उतना साइक्लोन जो है वो घूम पाएगा, क्रिएट हो पाएगा, विंड जो है उस तरफ आ पाएगी। तो यहाँ पर पहला वाला भी गलत हो जाता है। जवाब रहेगा इसका 3 ओनली, क्योंकि सिर्फ तीसरी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस तक का, मॉइस्चर कंटेंट हाई चाहिए, कोरियोलिस फोर्स और वर्टिकल विंड जो है वो भी ऐसे क्रिएट होना चाहिए, तब जाकर हमें आय ऐसा देखने को मिलता है, ये आँख होती है ना, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। अब ये जो NPR है ये लिस्ट है जो यूजुअल रेसिडेंट्स है कंट्री के उनकी, मतलब जो लोकल एरिया में रिसाइड कर रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा, या फिर जो रिसाइड करने वाले हैं 6 महीने से ज़्यादा। दूसरा यहाँ पर आता है फॉरेनर जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब पहला अगर हम देखोगे तो बिल्कुल सही है, दूसरा अगर आप देखोगे तो आज सुबह ही हमने डिस्कस किया है कि इसमें फॉरेनर्स भी आते हैं ना, एंजेलिना जोली का हमने फोटो भी देखा था, तो एंजेलिना जोली जब 6 महीने से ज़्यादा रह रही है तो इसमें कर सकती है रजिस्टर, इसमें लिस्ट में नाम आ सकता है, तो ये गलत हो जाता है, फॉरेनर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ए जो है इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टिक्की मौसी, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभी देखिए यहाँ पर चाइल्ड और वुमेन को जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर एक मैस्कॉट अनवील किया है जिसका नाम है टिक्की मौसी। दूसरा है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और जो मिशन शक्ति डिपार्टमेंट है उन्होंने यूनिसेफ के कोलैबोरेशन के साथ ये जो मैस्कॉट है ये लॉन्च किया है। अब यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन का यहाँ पर अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सके, इसके लिए टिक्की मौसी आई है, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल सही होता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिशन शक्ति डिपार्टमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर यहाँ पर मैस्कॉट अनवील किया, तो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वन नेशन वन टैग, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसके तहत क्या होगा, जो मल्टीपल स्मार्ट टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो, तो जो टोल होते हैं वहाँ पर अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं ना टैग्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी मल्टीपल स्मार्ट टैग्स है उसका यहाँ पर एंड किया जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक सिंगल टैग जो है वो लाया जाएगा, जैसे कि टोल रोड जो है उस पर आप सिंगल इससे जो भी टोल है वो भर सकते हो, जो कि एंट्री टैक्स होता है डिफरेंट सिटीज़ में। दूसरा अगर आप देखोगे तो करंटली फास्ट टैग जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, RFID बेस्ड रही है, मतलब आपको एक कार पर चिपका देना पड़ता है, कार जैसे ही जाती है टोल से वहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेता है, आपके कार्ड में से अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाते हैं
और आपको कोई भी रोकता नहीं है। यह है फास्ट एक्ट, ये भी कंपलसरी करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही होते हैं। जवाब रहेगा इसका C 1 and 2। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोड ऑफ एथिक्स। सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स है सोशल मीडिया पर जो लागू हो रहा है उसके वजह से जो फेक न्यूज़ है वो यहाँ पर स्प्रेड नहीं होगी, मतलब कर्टेल करने में हेल्पफुल रह सकता है। जो भी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सब, इस पर जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है जिसकी वजह से लिंचिंग हमें देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसे कर्टेल करने के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो लाया गया है। दूसरा यहाँ पर है कि अगर सोशल मीडिया फेल हो जाता है जो सोर्स है फेक न्यूज़ का उसे ढूंढने में, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है ये हो जाता है गलत। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये फेक न्यूज़ के सिलसिले में नहीं लाया गया है। ये देखिए अभी क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया जाता है जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो फर्दर जो भी इलेक्शंस होंगे, इंक्लूडिंग अभी जो महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो इलेक्शन होंगे इसमें भी जो कोड ऑफ एथिक्स होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया जाता है, उसमें जो जो चीज़ें नहीं की जानी चाहिए और सोशल मीडिया पर भी नहीं की जाएगी। मतलब होता है ना, प्रचार जो है अलग तरीके का होता है, पेड न्यूज़ होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो इस तरीके से जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू किया गया है उसको जो वायलेट करेगा वो सोशल मीडिया पर भी स्प्रेड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स जो है ये लागू किया गया है। तो यहाँ पर पहला गलत है, तो ऑब्वियस है कि दूसरा फेक न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है तो गलत ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाते हैं। जवाब रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है नेशनल टूरिज्म अवार्ड, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो नेशनल टूरिज्म अवार्ड जीतता है ओवरऑल ग्रोथ टूरिज्म कैटेगरी में, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। दूसरा है कि उत्तराखंड जो है उसे एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। अभी हम पहला अगर स्टेटमेंट देखोगे तो ये सही है, आंध्र प्रदेश जो है उसे ओवरऑल टूरिज्म के इसमें अवार्ड मिला है। दूसरा अगर आप देखोगे उत्तराखंड जो है उसे एडवेंचर इसमें नहीं मिला है, गोवा और मध्य प्रदेश को एडवेंचर इसमें मिला है, तो ये गलत हो जाता है। जवाब रहेगा इसका 1 only। यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश जो है ओवरऑल ग्रोथ टूरिज्म में उसमें मिला है, उत्तराखंड जो है उसने बेस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेंडली स्टेट इसके लिए मिला है, और गोवा और MP को एडवेंचर कैटेगरी में अवार्ड जो है जॉइंट अवार्ड दिया गया है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आपका जो स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका स्कोर क्या है, इससे दूसरों को भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।